सोहाना विधानसभा सीट पर चुनावी दंगल कांटे की टक्कर में फंस गया है और इसमें फिलहाल देवेंद्र बबली कांग्रेस के प्रत्याशी परवीर सिंह पर भारी पड़ रहे हैं। परवीर सिंह लगातार दो चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार भी हार की हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में देवेंद्र बबली के सामने परमवीर सिंह की जमानत जब्त हो गई थी। अब देवेंद्र बबली जेजेपी की बजाय बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी की टिकट पर भी उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देवेंद्र बबली के सामने परमवीर सिंह का सिक्का नहीं चल रहा है क्योंकि परमवीर सिंह के लिए पिछले दो चुनाव हारना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, उनको नुकसान दे रहा है। परमवीर सिंह 2014-2019 का चुनाव हारने के बाद पिछले 5 साल में भी बेहद कम एक्टिव रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा या कुमारी शैलजा के साथ ही वो नजर आए हैं, यानी जब जब ये नेता टोहाना में आए तब तब ही परमवीर सिंह नजर आए। परमवीर सिंह ने पिछले 5 साल में टोहाना के लोगों के लिए ना कोई संघर्ष किया, ना कोई आवाज़ उठाई और ना ही टोहाना के लोगों की आवाज़ बने। यही वजह है कि आज की तारीख में परमवीर सिंह को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बल्कि ये कहिए कि फीका रिस्पांस मिल रहा है। आप खुद देखिए कि परमवीर सिंह के कार्यक्रमों में कितनी कम संख्या में लोग आ रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार में किस तरह से फीकी रंगत नज़र आ रही है। दूसरी तरफ देवेंद्र बबली ने अपने 2.5 साल के मंत्री पद के काल में जबरदस्त विकास कार्य करवाए हैं। ये भी कह सकते हैं कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो देवेंद्र बबली के नाम है, क्योंकि देवेंद्र बबली ने धुआंधार काम कराते हुए हर गाँव तक पहुँच बनाई और हर गाँव की समस्याओं को दूर करने का काम किया। यही वजह है कि काम कराने के मामले में जहाँ देवेंद्र बबली अव्वल नज़र आते हैं, वहीं पर 10 साल तक मंत्री रहने के बावजूद परमवीर सिंह के खाते में कुछ ही नज़र नहीं आता है। और यही वजह है कि परफॉर्मेंस के मामले में परमवीर सिंह देवेंद्र बबली के आगे पिछड़ गए हैं और देवेंद्र बबली को इस चुनाव में बीजेपी के मजबूत वोट बैंक के साथ साथ अपने भी जिताऊ वोट बैंक के बलबूते पर मजबूती मिली हुई है और उनको हर गांव में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ गांव में उनके विरोधी जानबूझकर उनका विरोध करवा रहे हैं ताकि उनके प्रति नेगेटिविटी फैले, लेकिन सभी जानते हैं कि वो लोग कहां जुड़े हुए हैं और किसके इशारे पर देवेंद्र बबली का रास्ता रोकते हैं, उनका विरोध करते हैं। इन दिक्कतों और रुकावटों के बावजूद देवेंद्र बबली का पड़ा भारी नज़र आ रहा है। आप खुद ही देखिए कि देवेंद्र बबली के कार्यक्रमों में कितनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आपने देख लिया होगा कि देवेंद्र बबली का हर कार्यक्रम सुपर हिट हो रहा है, लोगों की भारी हाजिरी हो रही है और उनके कार्यक्रम साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनका कारवा जीत की तरफ बढ़ रहा है। आप टोहाना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर क्या सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। टोहाना सीट के ऊपर देवेंद्र बबली की जीत के कितने चांस हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
टोहना सीट के ऊपर परमवीर सिंह के आखिरी चुनाव का क्या अंजाम होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।